अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी किंजा चौधरी, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम के बाद दोबारा से व्लॉग स्टार्ट किए हैं। 3 मंथ्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, जुलाई से मैंने छोड़े थे। 2 जुलाई को मेरा लास्ट जो व्लॉग था वो अपलोड हुआ था, ठीक है। तो व्लॉग क्यों, मतलब इतना गैप जो आया वो इसलिए आया, कुछ लोगों को पता भी है कुछ लोगों को नहीं पता। खैर, जो इतना ज़्यादा गैप आया वो इसलिए आया कि मेरे फादर की डेथ हो गई थी। मदर की डेथ को 3 साल हुए थे, 27 जुलाई को 3 ईयर्स जो हैं वो कंप्लीट हुए हैं, और 3 जुलाई को फादर की डेथ हो गई है आफ्टर 3 ईयर्स। तो मैं ज़्यादा नहीं, मतलब क्योंकि हिम्मत ही नहीं है। मदर की डेथ के बाद तो ये था ना कि चलो बाबा हैं, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और हम एक तरह से ये भी दिल में कहते थे कि फिर भी अल्लाह की बेहतरी है कि चलो मामा की जगह बाबा नहीं गए, जो भी था जैसे भी था, ठीक है। कि नहीं यार, मतलब मामा बीमार थी, पता था, एक मेंटली भी था कि चलो यार वो इतना मतलब टाइम हॉस्पिटल में रही हैं, कोई मतलब 7 डेज हम उनको इसी चीज़ों में लेकर फिर रहे थे। हमें पता था कि यार चलो ठीक है, कि कभी भी फिर भी बंदा सोचता नहीं है अपने पेरेंट्स के लिए, लेकिन पापा का सोचा नहीं था कि ये सब कुछ होगा। सोचा क्या, कोई भी नहीं सोचता, कोई भी मतलब कि अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचता, लेकिन हम लोगों को ये भी, वो हार्ट पेशेंट ज़रूर थे, ठीक है, हमें पता था कि वो स्टंट वगैरह ये चीज़ें वगैरह हैं, लेकिन हम लोग इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते थे कि यार उनकी तबीयत ख़राब होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा केयर करते थे ना अपनी, कि मेडिसिन नहीं छोड़ते थे, कुछ और भूल जाते थे घर, लेकिन मेडिसिन नहीं भूलते थे। अगर मेडिसिन भूल भी गए तो वो शॉप पे मंगवा लेते थे। मतलब हमें ये था कि यार एक बंदा खुद केयर कर रहा है, मामा केयर नहीं करती थी खुद से, उनकी करनी पड़ती थी, वो डरती थी, मतलब डायबिटिक पेशेंट थी फिर भी, ठीक है, लेकिन बाबा खुद केयर करते थे, पता था। लेकिन अचानक से सब कुछ हो जाए, जिसके बारे में आप मतलब आपको पता भी ना हो, क्या आप लोग सोए हुए हो और सुबह उठ के पता चलता है कि जी मतलब वो इस दुनिया में नहीं है। ज़ुबान भी जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करती है इस बात को, कह नहीं पा, हमें अभी तक यकीन नहीं आ रहा। लोग तो कहते हैं ना कि यार हमें नहीं यकीन आया कि जो जफ़र साहब नहीं है हमारे में, वो ऐसे थे। हमें ख़ुद को नहीं मतलब यकीन आ रहा कि घर में, कि उनका ना मगरिब टाइम एक रूटीन सेट थी कि उन्होंने मगरिब टाइम आकर खाना सबके साथ खाना होता था। हमें पता था कि यार उन्होंने 7 o'clock 8 o'clock ना आ जाना है, अगर उन्होंने नहीं आना होता था तो वो कॉल कर देते कि बेटा आप लोग खाना खा लो, मैंने नहीं आना, ठीक है। खैर, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है सब कुछ, लेकिन माँ बाप के बगैर कुछ नहीं होता। चाचू लोग हैं, फैमिली है, वो सपोर्ट कर रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक कमी जो है वो रह जाती है। जो मैं व्लॉग्स नहीं बना रही थी वो इसी वजह से नहीं बना रही थी, और कुछ लोगों को मैंने ये क्लियर करना था कि हम लोग कुछ लोग कह रहे थे कि बच्चे जो थे, जो फैमिली थी, वो टूर के लिए गई हुई थी, ठीक है। तो मेरा लास्ट व्लॉग जो था 2 जुलाई को मैंने जो डाला था, वो मैंने अपना जो हमारा फैमिली टूर था हम लोगों ने वो प्लान किया था, तो हम लोग वहाँ पर गए हुए थे। लेकिन मेरे जो व्लॉग्स थे वो ऑलरेडी बने हुए थे, मैंने सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पर अपने वोकेशन पर वो मैंने अपलोड नहीं किए थे, ठीक है, वो मेरे पास बने हुए हैं, दिल नहीं किया अपलोड करने का। और हम लोग वहाँ से वापस आ चुके थे, ठीक है, हम लोग एक दिन पहले ही, हम 2 दिन पहले ही आए थे, ठीक है, 2 दिन पहले आए थे। अलमास लोग जो हैं वो 1 दिन पहले पाकपतन आए थे, तो मैं मिली भी नहीं थी मतलब बाबा से, लेकिन ये लोग मिल नहीं थी फिर भी ना। तो खैर, हम लोग यहीं पर ही थे, मैं फैसलाबाद में थी, अलमास, रहीम, बाकी जो सब सिस्टर्स थी वो पाकपतन आ गए थे, हम लोग उनकी डेथ के टाइम पे वहाँ घर पर ही थे, मैं अपने घर थी, ये लोग यहाँ पर थे, ठीक है। जो व्लॉग्स हैं वो मैं डालूँगी, अपलोड करूँगी, तो लेकिन अभी नहीं, अभी दिल नहीं कर रहा, मतलब ना सब कुछ अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट सा चल रहा है, मुश्किल भी है, जाहिर है यार किसी किसी का बॉन्ड होता है अपने फादर के साथ और तरह का ना। तो बॉन्ड तो बच्चों का होता ही है अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन हमारा जो अपने मतलब बाबा के साथ था ना, वो यार था कि ना, मतलब हम रैंडम बोल देते थे यहीं बैठे बैठे ना कि यार पापा ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, यार ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते थे, बहुत ज़्यादा, उन्होंने कभी नहीं मतलब रोका था कि पढ़ना नहीं है, ये ना करो, वो ना करो, वो ना करो, कभी भी इस चीज़ों से नहीं था। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी, कह नहीं सकते कुछ भी। खैर, मतलब मेरे पास वो वर्ड्स ही नहीं है, मतलब मैं ये व्लॉग बनाना चाह भी नहीं रही थी, लेकिन मुझे सबने बोला कि यार नहीं, कंटिन्यू करो, बनाओ, फिर ही होगा, कुछ नहीं होता यार, लाइफ लेकर चलनी है आगे, सब कुछ होगा,
ज़ाहिर है सब कुछ चलेगा, हर चीज़ चलेगी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जल्दी की, मतलब अल्लाह ने ना ये चीज़ जल्दी ले ली। और या इवन के मामा का था ना, तो हम रोते थे ये करते थे, लेकिन बाबा की तरफ यकीन ही नहीं आ रहा। रोना तो एक अलग सी चीज़ है ना, रोना तो आता ही होता था। ज़रूरी नहीं है कि कैमरे को देखकर या लोगों के सामने रोना आता होता है, ठीक है। मैं कोई आई कॉन्टेक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ, तो होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जल्दी की, फिर भी यही कहूँगी, जल्दी की। हमें सिर्फ पढ़ाया है उन्होंने, मेरी तो शादी कर दी थी, चलो मेरे 7 मंथ्स, आई थिंक 6 माह कह लो हुए थे अभी शादी को, लेकिन फिर भी जल्दी की। अभी बहुत सी जिम्मेदारियाँ थीं, सब कुछ था लेकिन जिम्मेदारियाँ भी थीं, लेकिन फैमिली सपोर्ट कर रही है अभी भी, कोई ऐसा नहीं है। हम लोग जॉइंट सिस्टम में रहते हैं, चाचू लोग हैं, चचियाँ हैं, सब लोग ठीक हैं, लेकिन फिर भी जो माँ बाप होते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं उनके, मतलब नहीं यार। खैर मैं अभी तो इधर ही हूँ पाक पता नहीं, तो मैंने अभी आगे कंटिन्यू करूँगी व्लॉग्स। खैर मेरा मेन पॉइंट ये था कि मैंने व्लॉग चैनल को स्किप नहीं किया, अभी छोड़ा नहीं है, तो जस्ट इस वजह से व्लॉग्स जो हैं वो अपलोड नहीं हो रहे थे। एंड पे मेरी बस यही है कि आप लोग उनके दर्जात के लिए कुछ ना कुछ ज़्यादा ज़्यादा नहीं, सिर्फ फातिहा ही कम अज़ कम आप लोगों को उनके लिए दुआ कर दें। बाकी देखते हैं आगे व्लॉग्स वगैरह किस तरह कंटिन्यू करने हैं, क्या होना है क्या नहीं, अभी कुछ नहीं सोचा। लाइफ कैसे चलेगी ये नहीं सोचा, ये तो ये है, एक तो व्लॉग्स तो अलग सी चीज़ है, लाइफ का नहीं भी पता कि नेक्स्ट कैसे होगा सब कुछ, कैसे नहीं। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।